देखो जी, मेरा ना कोई यार दोस्त ही जिहड़ा नशे दे विच फसिया होया सी। ठीक है जी, उन्हें मैनू जदों तोड़ वजनी तो उहदी मम्मी ने कहना कि पोते इहने मर जाना ते इहनू कितों मतलब नशा लिया दे। मैं खुद मतलब लब के मतलब कितों ते कितों मतलब तुहानू पता शहर च हर नुक्करे नशा जिहड़ा विक रिहा ते मैं लब के देना कि मैनू इस चीज़ की नॉलेज नहीं। ठीक है, जदों मैं इस चीज़ नू लैण लगा मतलब अपने मतलब सीखण लगा बह के कि हाँ भी इवें हो सकता, मैं अज तक मतलब नशा नहीं किया। ये कोई हिमाचल जा रहा, कोई जलंधर जा रहा, लुधियाने जा रहा, उतों फिर आके फिर नशा लगते हैं। क्यों ना बटाले शुरू किया जाए, लागे किया जाए, कल कोई बच्चा अपने कहता भी वो फैमिली मिल ली उन्होंने लागे मतलब पैसा तो वैसे ही पहला खत्म कर चुके हो नशे के करके, तो क्यों ना बटाले शुरू किया जाए। तो बटाले के जोड़ा वा अपने फैमिली भी अपने बच्चे टाइम ना वेख के जा सकती है कि हाँ भी वाकई बच्चा सही आ। ढिड वास्ते हर एक हर एक हाथ पैर मारना पैंता, चलो अं भी मारिया, मैं मार के पर इधर लाया सारा कि आप कुछ करिए, क्योंकि अं इस लाइन चो मतलब आप तो नहीं आ दूजे बंद क्या जाए। तो मेरी फैमिली तो दो तिना महीनों बाद पता लगा, वो मैंने पता कहें कहें कि पैसे पुसे जोड़े तेरे को है वो तू सब डाल लेने जोड़े है थोड़े बहुत तेरे वास्ते, तो मुड़ के तू सू मतलब कि मैं कोई गल नहीं चलता रहूगा मैं सारा कुछ। तो अच्छा मतलब माण फील हों कि हाँ भी कोई वधिया काम कर रहा। साडे घर दे विच नशा कोई नहीं करता, मतलब कोई भी साडे घर चो नहीं करता, पर मैं जो अपने यार दोस्त जिहड़े मेरे बने ना वो करते तो वो मेरी फैमिली आ। मैं सारी फैमिली नूं ही फैमिली मान के चलदा कि मेरे वीर ने, जे कोई गलती करता भी इन्हां नूं बह के समझाया जाता कि वीर नहीं अपना सारा जिहड़ा मतलब अपने उपराला जिहड़ा अं करते पे हाँ वो तुं भी संजोग दो, तुहाडा नां होगा कि ये बंदे ने नशा छड्डिया ते इत्थे साडे कोल पहुंचिया। तुहाडे वाल वेख के मेरे को 10 बंदे आउणगे कि जे ये बंदा नशा छड्ड सकदा ते असीं वी छड्ड सकदे हाँ। लुधियाणा लाइव देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। कहिंदे नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब किया जाता है पर किते लगता नहीं कि नशा मुक्त हो गया पंजाब दे विचों। जे सरकार चाहन तो नशा जरा है पंजाब दे विचों मुक्त हो सकता है। सो अज जिला गुरदासपुर के एहो जे स्कूल दियां तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे कि स्कूल कदा है, विद्यालिया विद्यालिया है उत्थे की पढ़ाया जाता है वो भी तुहानूं दसांगे। एक विद्यालिया है एक नूर के नाम के उत्ते जिला गुरदासपुर के विच एक विद्यालिया खोलिया गया, उत्थे नशा मुक्त कराउण वास्ते जरा क्लासां लाईआं जांदीआं। सो उत्थे काउंसलिंग की जाती है, ना कोई दवाई दिंदे ने ते ना कोई उहनां नूं कोई मैडिकल सुविधा दिंदे ने, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ उत्थे समझांदे ने। समझाण दे बावजूद सवेरे शाम जरा उत्थे वाहगुरु का नाम भी जपया जाता है अते सवेरे शाम जेरे उन्होंने गुरबाणी जी सिखाई जाती है अते गुरबाणी के नाल नाल उन्होंने काउंसलिंग भी की जाती है। अते तस्वीर राही तुहानूं दिखा दिए कि 35 तो 40 जेरे नौजवान ने उत्थे क्लासेस लै रहे ने, कादी क्लास लै रहे ने नशा मुक्त होने वास्ते। तुहानूं तस्वीर राही दिखा दिए कि सरकारां जिहड़ियां वड्डे वड्डे दावे करदियां ने कि पंजाब साडा नशा मुक्त हो गया, पर किते ना किते उन्हां दे दावे जिहड़े ने खोखले साबत आंदे ने। सो तुहानूं दस दईए इह विद्यालिया जिहड़ा है एक नूर दे नाम दे उत्ते जिला गुरदासपुर विच खोलिया गया। एक होर गल दस दईए तुहानूं कि खोलण दे विच इक नौजवान सी जिन्ने प्रण कीता कि मैं पंजाब नूं नशा मुक्त तो नहीं कर सकता, अपने जिले नू नशा मुक्त जरूर बनाउन वास्ते जरा मैं कोई प्रण करूँगा। कहण दा मतलब कि मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, जिहड़े साडे नौजवान ने नशे की दलदल दे विच जा रहे ने मैं अपना सारा ही जरा उन्हां दे उत्ते लाऊँगा कि वह जिहड़े नौजवान ने गुरदासपुर के नौजवान ने जिहड़े नशे की दलदल दे विच ना जाण। सो गलबात भी करांगे वीर नाल, बड़ी बहादुरी वाली गल है कि इदां दा कदम जरा चुकना बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि अजकल समा है कि कोई नशा करता है तो लोग कहिंदे ने करता है तो करता रहे सानू की है, पर जदों अपने घर ते पैंदी है ना पता उदों लगता है। सो एक नूर दे नाम दे उत्ते जिला गुरदासपुर विच एक नौजवान ने विद्यालय जरा खोलिया सी अते उहदे नाल नाल ही उहदी मेहनत वल वेख के हुण उहदे नाल जिहड़े 6-7 मैंबर जिहड़े होर नाल जुड़ गए ने बहुत वधिया उहनां नूं लग्गिया कि तुसीं जिहड़ी है जरा भले का काम करते पे हो, सेवा करते पे हो। सो
गलबात करांगे नौजवान नाल भी। सत श्रीकाल भाई जी। नाम राजन कुमार। राजन जी, पहले नंबर ते बहुत वधिया तुसीं काम कर रहे हो, ते दूजे नंबर ते तुहानूं इह किद्दां जागिया कि मैं इह जिहड़ा काम करना है? देखो जी, मेरा ना कोई यार दोस्त ही जिहड़ा नशे दे विच फसे होया है। ठीक है जी, उन्हें मैनूं जदों तोड़ वजनी तो उहदी मम्मी ने कहना कि पुत्त इहने मर जाणा, इनूं कितों मतलब नशा लिया दे। मैं खुद मतलब लब के मतलब कितों तो कितों मतलब तुहानूं पता शहर च हर नुकरे नशा जिहड़ा विक रहा, तो मैं लभ के देना कि मैनूं इस चीज़ की नॉलेज नहीं। ठीक है, जदों मैं इस चीज़ नूं लैण लगा मतलब अपने मतलब सीखण लगा बह के कि हाँ भी इवें हो सकता, मैं अज तक मतलब नशा नहीं किया जिहड़ा नशा मतलब कहिंदे ना करना, अहीं नशा नहीं किया। ठीक है जी, पर अज नशा नहीं किया तो मैनू बथेरे जना पहला बड़े जने ने कहा मैनू कि हाँ भी वीर नशे उही विद्यालय चला सकता कि जिहड़ा नशा किया होवे बंदे ने नशा छड्डिया होवे, पर नहीं, जिहड़ा नशा मतलब किसी ने किसी नू फील किया होवे ना दिल तो हाँ भी प्यार करता होवे उहदी फीलिंग समझदा हो। हुण इह जिन्नी मेरे मतलब विद्यालय दे विच उहनां नू मैं दिलों फील करदा कि हाँ भी इह बंदे नू इह चीज़ की लोड़ आ, इह चीज़ चाहीदी आ, तो उह मतलब उन्हों दिल तो लैके चलता। उन्होंने पूछा जाता कि रीजन की है ता क्यों नशे च खुबे, अद्धों ज़्यादा बंदे जड़े ना वो मतलब जिदा अं कह दें कि सैक्स पावर करके फसे हुए हैं। 70% मुंडे जड़े ना इस दलदल च इस करके फसे ने, 10% अं कह दें कि शौक ना जिदा किसी यार दोस्त ने कहता कि लैन लाला लैन लाली तो वो मुड़के उत्थे ठुके ने। तो वो चक्कर के मैं जो सोचा मैं क्यों ना मतलब एडी कोई हिमाचल जा रहा, कोई जलंधर जा रहा, लुधियाने जा रहा, तो उतों फिर आके फिर नशा लगते हैं, क्यों ना बटाले शुरू किया जाए, लागे किया जाए, कल कोई बच्चा अपने कहता भी वो फैमिली मिल ली उन्हों लागे मतलब पैसा तो वैसे ही पहला खत्म कर चुके हो नशे के करके, तो क्यों ना बटाले शुरू किया जाए, तो बटाले के जिहड़ा वा अपने फैमिली भी अपने बच्चे टाइम ना वेख के जा सकती है कि हाँ भी वाकई बच्चा सही आ, नहीं तो दूर जाने वास्ते बंदा सोचता कि कई कुछ करना पैंदा। इस करके अहीं जिहड़ा बटाले शहर दे विच जिहड़ा शुरू किया आ। जी तुसीं की काम करदे हो पेशे वजो, तुहाडा की काम? मेरे पेशे विच उदां जी मैं मीट रीडर हाँ, मैनूं 8-9 साल हो गए मीट रीडरी करदे आ, पर जदों मैं घरां च जाना घरां च इहो चीज़ ही वेखदा नशा, बस नशा। पर आ जदों नवीं सरकार बनी आ, ठीक है जी, इन्हां ने कुछ मतलब सिकंजा कसिया उहदे करके जिहड़े ना बच्चे आप मतलब फोन करके आ रहे कि भाजी अपना सेंटर अपना विद्यालय आ ते आपां नूं उत्थे कर लो, अहीं तुहाडे नाल जाण नूं तैयार हाँ। फिर कई बंदे आप आ रहे आ, कईआं नूं नहीं पता, उहनां दी फैमिली साडा नंबर लै के साडे तक उहनां नूं भेज रहे आ। राजन जी, पहला किन्ने बच्चे सीगे तुहाडे कोल, तां हुण किन्ने किन्ने? पहले दिन पहले जदों मैं शुरू किया मेरे को पहले ही दिन 4 बच्चे मेरे को आ चुके हैं, उन्हां विच्चों इस टाइम इत्थे बच्चा कोई नहीं आ क्योंकि वो सही हो गया अपने घरां नूं जा चुके, जिन्हां दे विच्चों 2 मुंडे जिहड़े फिर इस दलदल च फसे हुए ने, वो तां फसे ने कि क्योंकि उन्हां दी फैमिली भी उन्हां दी थोड़ी सपोर्ट करदे आ, पैसे धेले दी भी जां जमीन जायदाद आ जिहड़ी वो भी मतलब कहिंदे कोई नहीं पुत्त हैगा आ कोई नहीं कर ला, वो मतलब जिथे 10 किले उत्थे मतलब 2 किले रह गए आ। मतलब असीं ना थोड़ा जिहा होर कर रहे हैं कि कुड़ियां भी जिदा बहुत ज़्यादा कुड़ियां तक दे फोन आ रहे हैं कि आपां नूं भी भाजी थोड़ा जिहा करो, तो पर मैं कल्ला मतलब लगा होया तो मेरी हुण टीम चल रही आ, तो अहीं लगे हौली हौली कर रहे हैं कुछ तो करांगे पंजाब वास्ते। राजन जी, किन्ने क अपने नाल जिहड़े टीम मैंबर ने, पहला तुसीं कल्ले सीगे, उस तों बाद 11 होए, 11 तों बाद 22 हो गए, 22 तों बाद हुण 44, कहण दा मतलब हुण मैंबर तुहाडे नाल जिहड़े माइनस करदे ने किन्ने क मैंबर ने तुहाडे नाल जिहड़े जुड़े होए हुण? मेरे नाल जिहड़े हुण इस टाइम 7 आ, वैसे जिहड़े हुण सही हो गए मेरे को मतलब नशा मुक्त हो गए वो मेरे को इस टाइम घट्टो घट 15 बंदे आ जिहड़े मेरे नाल पूरा मेरा संजोग दे रहे आ। परिवार विच राजन जी किन्नी क सपोर्ट है तुहानूं कि तुसीं इहो जिहा उपराला कीता, जबकि जिहड़ा इह उपराले ने उह सरकारां नूं करने चाहीदे आ, परिवार वालों किन्नी कि तुहाडी सपोर्ट है? मेरे परिवार को मतलब पता कदों पता लगा जो 3 महीने हो गए इस चीज़ में खोलिया, मैं घर नहीं दस्या अपने, पर उन्होंने ये मेरे ते इन्ना यकीन है कि मैनू मतलब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि काम जां कुछ भी, जे मीटर रीडर लगे अं चलो किसी वीर ने अपनी पूरी हैल्प की अं लग गए थोड़ा थोड़ा, मतलब जो सारे कहिंदे ना कि अपने ढिड वास्ते हर एक हाथ पैर मारना पैंदा, चलो अहीं भी मारिया, मैं मार के पर इधर लाया सारा कि आपां कुछ करिए क्योंकि अहीं इस लाइन चो मतलब आप तो नहीं आ दूजे बंदियां नूं कढ़िया जावे, तो मेरी फैमिली नूं 2-3 महीनों बाद पता लगा, वो मैनूं पता कहिंदे कहिंदे कि पैसे पुसे जिहड़े तेरे को हैगे आ वो तू सब डाल लैणे आ जिहड़े हैगे थोड़े बहुते तेरे वास्ते, तो मुड़ के तू सानूं मतलब कि मैं कोई गल नहीं चलदा रहूगा मैं सारा कुछ, तो अज मतलब माण फील हुंदा कि हाँ भी कोई वधिया काम कर रहा। अज तक मैं माँ मतलब डैडी आए एक दिन वो वेख के गए, वो कहिंदे कि बाहरों वेख के चले गए, कहिंदे जो भी तुसीं करना मतलब ठीक आ पर घर वधिया चलो बनिया ठीक है माड़ा मोटा, तू क्यों? मैं तुहानूं नहीं पता क्योंकि जिहड़े बंदा
साढ़े घर के नशा कोई नहीं करता, मतलब कोई भी साढ़े घर चो नहीं करता, पर मैं जो अपने यार दोस्त जोड़े मेरे बने ना वो करते ही, तो वो मेरी फैमिली आ, मैं सारी फैमिली नू ही फैमिली मान के चलदा कि मेरे वीर ने, जे कोई गलती करता भी इन्हों बह के समझाया जाता कि वीर नहीं अपना सारा जड़ा मतलब अपने उपराला जो अं करते पे हाँ वो तुम भी संजोग दो, ना होगा कि यह बंद ने नशा छड़िया तो इतने साढ़े को पहुँचा ताे वाले वेख के मेरे को दस बंदे आने कि जे बंद नशा छड़ सकता तो अं भी छड़ सकते हैं। तो नशा जी एक दिमाग का नशा, बस नशा कुछ नहीं है, दिमाग का नशा, दिमाग में एक आप सही कर लेंगे ना तो समझ लो कि सब कुछ सही कर लेंगे, फैमिली भी सही हो जूगी सारा कुछ, जो अं नशा कर लेना दिमाग तो वैसे ही अड्डा पहला अगे की मिल रहा सू खाने तो कुछ वह जी चीज़ मिलनी जो स्प्रेवा कर करके दिमाग तो वैसे ही जोड़े हो गए अपने है ना जी कमजोर हो चुके हैं, तो नशा करके तो होर हो गए, तो वो जी सोच माड़ी मोटी है वह भी वैसे ही जाती रही है। राजन जी थोड़े को नशा मुक्त हो के कोई विदेश भी गए ने लड़के तो कुछ जे अपना इतों कारोबार भी कर रहे हैं, कि मन में खुशी होंगी कि वाकई छोटा जहा जरा कदम ही बड़ा व्डा मिले तो परमात्मा की कृपा हुई है, फॉरन च भी ले रहे लोग चले गए इतने भी कारोबार कर रहे। हाँ जी मन बहुत ज़्यादा खुशी होंगी भाजी, मैनू ना एक बंद का फोन आया मैं थोड़े दिन हो मैं बड़ा वधिया मतलब उन्हें किया मैं कहते भाजी मतलब तुम मेरे मेरे ना मोटरसाइकिल का ना तुम वेखियो कि मोट जोड़ा मेरा मोटरसाइकिल उन्होंने कितने वेखियो तुम वेख्या होगा कि वह मगराट भी टुटा मतलब सब कुछ ही, तो मैनू कहते भाजी तुम क्यों अवे मैं यार अं कि विखाल के लैना मेरे मैनू सत्कार देन डे मैं मिलते हैं ना तो भाजी सत श्रीकाल भाजी की हाल जे तू भाजी बड़ा वधिया मतलब माण मिलता अपने कि हाँ भी कुछ किया अपना वड्डिया चीज़ा ज कुछ करके कुछ नहीं हुंदा आपां नूं जिहड़ा करना चाहिए ना कि हाँ भी भला भला जो भी अं कर डे जे भला करांगे ना किते एक बंदे दा भला किया अपना नाल जाना जाना जरूर आ सही भी रहांगे उत्थे जाके पता लगना कि की किया अं पंजाब वास्ते अपने मतलब बटाले वास्ते। ठीक है जी बाकी चलो वाहेगुरु साडा संजोग देन डे मतलब पूरा अपना कर रहे कृपा कर रहे साढ़े ते बच्चे सही हो रहे हैं, बाकी अं करन वाले नहीं है करन वाला वाहेगुरु आ, अं तो एक जरिया हाँ छोटा जहा बस राह हाँ छोटा जहा रब किसी ने मतलब रब थले नहीं हों आप नहीं आएगा जरिए ही आ, मैनू भी किसी ने जरिया देता मैनू राह मिल गया मैं तुरया कहते ना कि कला बंदा तुरे ना तो अपने आप काफिला बनता जाता तो जो काफिले तुरंगे तो कोई नहीं पुछेगा अपना कि हाँ भी हूँ ये नशा छुड़ाऊ केंद्र के कहें ने उत्ते जाओ जी उत्ते जाओ उत्ते मेडिकल जा पुड़ियां देंगे इदा का कोई इतने हैगा नहीं। वेखो जी जो अं ना शुरू किया पेल्ला ठीक है जी अपन ना दूजे के सारे जोड़े मुंडे आते मतलब दूजे सेंटर वो कहें वीर जी अपना ना ब्रेक इनू ब्रेक बोलते हैं कि ब्रेक चलती साड़ी कि ब्रेक जी साड़ी चलती है तो ब्रेक जी सू चलाई जाए मतलब वेखो जिहड़ा नशा करदा ना चिट्टे दा मतलब 4-5 हज़ार दा नशा करदा पिया ते जे ओ मान लो एक पुड़ी ते हुंदा वा उनू प्रोवाइड कीती जांदी सी पहलां जो भी आपां नूं नहीं पता, फिर उस तों बाद असीं की कीता कि असीं कहा कि नहीं जे चिट्टा छड्ड सकदा ते तूं उनू भी छड्ड सकदा, जे मान लो तू उनू नहीं छड्ड सकदा ते तूं चिट्टा भी नहीं छड्ड सकदा बाहर जाके, फिर कि ओह उनू भी उस चीज़ नूं असीं क्लीयर किया गया क्योंकि अपनी टीम आ कमेटी अपनी बह के सारी गल हुंदी आ कि हाँ भी वीर इवें नहीं इवें असीं सारे की गल मनते हैं, दूजे मतलब पता लगता मुंडिया को कहें कि भाजी जिहड़ा एम डी हुंदा ना एम डी मतलब मेन बोलते हैं तो वो इधर हाल च नहीं है, मैं इन्हां दे विच बह के रोटी खा के इन्हां नूं अहसास करवाउंदा कि जे मैं तुहाडे च सही हो के बह के रोटी खा सकदा तुसीं भी खा सकदे मेरे नाल सही हो के मेरे वांगू कम चला सकदे, कितने मैं इन्हां नूं वो अहसास नहीं होण दिंदा कि मैं तुहानूं मतलब मैं तुहानूं चला रहा जां मैं रोब पवां जां कुछ नहीं, जिहड़े बंदे दी गलती उहनूं समझावांगे जिहड़ा बंदा सही आ उहनां नाल बह के रोटी खाणे मैं इन्हां दे विच बह के। राजन जी इन्हां दे परिवार ने किते ना किते खुशी नाल आण के तुहानूं फोन करके कहिंदे ने वाह जी राजन जी तुसीं बहुत वधिया कीता कि साडे बच्चे जिहड़े ने अज सही हो गए ने तुहाडी मेहनत सदका ही, किते ना किते परिवार भी खुशी जाहिर करदे आ फोन करके तुहानूं। चलो कुछ तो मतलब कुछ क मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक दो परिवार ही कि जिहड़े चलो आपां कहिंदे आ कि बच्चा ही कोई उन्हां दा ते आही ना पहला एक मौका दिना मैं सारे कि चलो यार जे तू मतलब जिंदगी बनानी है ना तो बाहर भी कड़ लेने ही तो बहर जो निकल जे भाजे समझ लो उन्होंने कह दीदा कि हजे ताडा बच्चा सुधरन वाला नहीं है जी, आपां नूं भी मतलब इस चीज़ में ना अं थोड़ा जिहा होर तरीके लैके चल रहे हैं प्यार ना कि उहदा हजे टाइम आ नहीं छड्डना चाहुंदा क्यों नहीं छड्डना चाहुंदा उन्होंने कोई तकलीफ आ कोई मतलब रीजन आ, फिर दसदा कि मैनूं भाजी मेरी वाइफ आ जां कोई भी आनू फिर अं थोड़ा जिहा लैके चलते हैं लाइटली, तो वो फैमिली कहूगी भाजी मतलब किमें मैं अं ये चीज़ ने सोचते हैं कि जिहड़ा बंदा
अपने ना प्यार ना रह के नशा नहीं ना मुक्त हो सकता तो कितने भी नहीं हो सकता। इतने जरा इतने इन्ना वधिया समझा के इन्हों दसया जाता ना प्यार ना इन्हों की जड़ फड़ी जाती है कि क्यों नशा करते। कोई कहता मैं घरद तो दुखी, कोई कहता मैं कम तो दुखी हाँ, कोई कहता कि वीर जी मैं मतलब काम कर गया ही यार दोस्तों ने मैनू एक लैन लवाती वो लैन ही अज तक तुरी आँडी आ जी। किदा फिर माइनेंस करते हो तुसी फ्री हो कोस्ट करते हो कि पैसे भी लेंदे हो? नहीं वेखो जी जिन्हां दी फैमिली आ उन्हां को पैसे तो अं प्रोवाइड करते हैं। हूँ जिदा बाहर 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार लेने अं एक इतने ना नॉर्मल रखता एसी वाला मतलब ओके मतलब रोटी पानी भी वधिया ये नहीं कि कला पानी पानी मुंडियां नूं जिहड़ी रोटी मतलब ये खाते उही मैं खानी इत्थे आके अपनी रोटी ये नहीं कि वक्खरी आ। बुधवार दे बुधवार जिदा उन्हां नूं चिकन देता 3 दिन सब्जियां देती 3 दिन दालां देती इवें चलता पिया। किसी वेले सवेरे डबल रोटियां आई दियां किसी दिन मतलब दलिया आता कई मौके आपे बोल देंगे कि वीर जी अज दलिया नहीं खाना डबल रोटियां चला दो। इन्हां दे प्रोवाइड ही तो ही चलन दिया सारा कुछ नहीं तो दूजे कित होर चल जाओ कि कोई चीज़ मंग लेना तो वो डबल देंगे खा ला कि खा लेंगा। मतलब आप प्यार नशा छुड़ा रहे हैं कि प्यार ना जिहड़ा बंदा पहला ही दलदल च फसया वा क्रोध ना भरिया हो नशे नशा कर ले बंदे च क्रोध आता तो क्रोध च फसया तो वह अपना की सोचूगा कभी नहीं छूगा नशा। प्यार नाल ही नशा छुड़ाउंदे ने कोई इत्थे जिहड़ी नशे की दवाई नहीं दित्ती जांदी छुड़ाउण वास्ते। सो साडे नाल एक होर भी वीर हैगे ने उहनां नाल भी गलबात करांगे की कहना उहनां दा। नमस्कार। नमस्कार जी, सति श्री अकाल जी। हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत जी राजन जी कल्ले आ तुहाडे तुसीं हुण उहनां दे नाल जुड़े हो किद्दां दा लगदा कि वाकई उह बहुत वधिया राजन जी काम करदे? मैं कहना बहुत वधिया करदे वे जी बहुत वधिया। मैं इहदे संजोग नाल ते मैं इहदे नाल हमेशा खड़ा इहदे नाल क्योंकि चंगे नाल हर कोई खड़दा माड़े ना कोई कहेगा जी आ मेरे नाल माड़ा कि चंगे ना कोई कोई खड़ता खड़ना चाहिए चंगे नाल। उस ये है कि यह मैं पता लगता कि बच्चे ये भला होगा तो नाल होर भी जाने का भला हो जाए तो इन्हें चंगे ये कि इन्हें बच्चे का सहयोग पूरा देना चाहिए साथ देता। ये मैंबर फिर सारे इकट्ठे रल के जिन्हें मैनेज करते खाण पीन का सारा किन्ने टोटल मैन मैंबर है साढ़े ना इतने 7-8 जने है अपना जिन्हें मैनेज अं करते हैं जिदा रवीर ने दसाया कि कुछ मुंडे नशा कट के छड़ भी गए वो साढ़े नाल ही संजोग कर पे ने उन्होंने यही गल तो पता लगा कि चलो वधिया संजोग इन्हां नाल देना चाहिए उन्होंने। हाँ जी। सो वधिया लगता कि तुसी जिदा राजन जी कर रहे हो तुसी भी संजोग दे रहे बहुत वधिया लगता कि वाकई जिहड़े इत्थे परिवारां दे बच्चे आते हैं वाकई दुखी हो के आते हैं तो खुश होकर जाते लगता ना वधिया? बिल्कुल जी वधिया दुखी लगते सारे घरों सारे दुखी हो के आते हैं जी इत्थे आ के सुख कितने पाते हैं कि माँ प्यो तो सुख उम्र उन्हों की वज जानी है इन्हों की वधनी उन्हों की वज जानी है। हाँ जी जरा नशा ना मैं भाजी एक गल कह रहा नशा साढ़े पंजाब कितने नहीं गया इतने ही घर घर वर गया था हूँ मुंडिया है ही है पर जनानिया कुड़िया भी आ गया उड़े लुधियाने लड़ाई भी मैं देख रहा कि कुड़िया भी इन्ना नशा च वर गया वो अपन कहना नहीं चाहिए शब्द बोलने नहीं चाहिए जिस तक हद तक वो नशा पहुँच गया हूँ इन संग जरा नशा हों ये जरूर ग्रुपां विच ही हुंदा नशा तो उदू हुंदा कि ला के देख ला पहला थोड़ा जिहा वो फ्री खवालन के उदू फ्री खवालन के ला के तो देख वो क्यों खाया जांदा कट्ठे जरूर कट्ठा ग्रुप बन जांदा है वो खा लैंदा है जो एक दो दिन खवाता 4 दिन खवाता 5वें दिन आप खाना पैना जो का 5वें दिन खवाया ना वह घर दे तंग करेगा परेशान करेगा तो माँ पे दुखी होएगा इतों नशा शुरू वाधा वाधा कितना वध जांदा है। सो होर भी साढ़े नाल सिंह मौजूद ने इत्थे उन्हां नाल भी गलबात करांगे कि कहना है किदा उन्होंने जरा सारा मैनेज किया। सो गलबात करांगे सति श्री अकाल वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी की फतेह जी। बाबा जी यह सारा जरा विद्यालय खोलिया किदा खोलिया तो हूँ तक किन्ने क बच्चे इत्थे जिहड़े विद्यालय करके अपने को 30-35 बच्चे हैगे आ जी तो सारा जिहड़ा संगत इन्हां वीरां दे सहयोग नाल खुल्लिया है विद्यालय जरा चल रहा तो इस विद्यालय का नाम एक नूर विद्यालय एक नूर इतने कल सिख ही नहीं हिंदू भी आ ईसाई भी आ हरे भरा इतने मौजूद है इस विद्यालय में तो एक पिता एक शके हम बारक तो इतने किसी भी नाल कोई वितकरा नहीं सारे बाकी ये भी ये सारे भुले भटके आ तो इन्हों सीधे राह पर पाना साडा जिहड़ा फर्ज है तो धर्म भी है साडा तो आप इन्हों बस सीधे राह पाई दा इन्हों गुरबाणी नाल जोड़ीदा आ नशियां विकारां चों हट के महाराज के चरणों नाल जुड़ो सब कुछ इत्थों मिलना माँ प्यो जिहड़ा आ उह रब दा रूप आ उन्हां दी सेवा करो तो ये की करदे आ वी अपने माता पिता नाल नशे दे करके लड़दे आ उन्हां नूं मंदा बोलदे आ तो इत्थे जदों माता पिता आउंदे आ इन्हां नूं मिलना वो दुख दसदे आ ना साडा अपना होका निकल जांदा इन्हां दे दुख सुण के
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਇਹ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ